वीडियोस के अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल है और वो है कि एमएस वर्ड में या एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वर्ड हो, एक्सेल है, पावर पॉइंट हो, उसमें एक ऑप्शन होता है जो फाइल के अंदर पाया जाता है और उसका नाम ही ऑप्शन होता है। ऑप्शन होता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ऑप्शन मेनू के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस ट्यूटोरियल को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। इससे पहले हम एमएस वर्ड के शॉर्टकट और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स और टोटल टैब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पिछले ट्यूटोरियल में जाकर, चैनल पर जाके आप उसका अध्ययन अवश्य कर लीजिए। आज हम जानेंगे ऑप्शन के मेनू के बारे में और वो उसका क्या महत्व है। देखिए, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर का जो मैकेनिज्म होती है, सेटिंग जो होती है, उसका मैकेनिज्म जो होती है, उसकी कोर एरिया जहां से हम उसके सिस्टम में बदलाव करें, जैसे एमएस वर्ड के अगर इस रूपरेखा में अगर आपको बदलाव करना है तो आप फाइल में जाकर ऑप्शन, ये दिख रहा है आप, ये देखिए, ये ऑप्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट लेवल से इसका प्रयोग कम होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन के लिए ये आ जाएंगे, वर्ड ऑप्शन, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, एडवांस, कस्टमाइज रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, ट्रस्ट, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें कई सेटिंग, जैसे जनरल में अगर आप चले जाएंगे यहाँ कई, अगर हम चाहते हैं मिनी टूल ऑन सिलेक्शन, किसी भी ऑप्शन को जो एमएस वर्ड में इनेबल या डिसेबल करना है तो इसी ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे डिस्प्ले में चलिए, ये देखिए क्या दे रहा है, हाईलाइटर मार्क ये शो कर रहा है। यहां देखिए, अगर हमको पैराग्राफ मार्क शो कराना, क्लिक कर देंगे लगातार शो करेगा ये। अगर प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड, प्रिंट करेगा, इसे क्लिक कर देंगे प्रिंट नहीं करेगा। और आ जाइए जैसे कस्टमाइज रिबन, कस्टमाइज रिबन में आप देखिए क्विक एक्सेस टूल बार, देखिए तीन ऑप्शन ही दिखते हैं ना, सेव, अंडू, रिडू, इन्हें हटाना है, यहां से क्लिक करिए रिमूव कर दीजिएगा, हट जाएगा। इसमें कोई और भी ऑप्शन जोड़ना है, जैसे आप फॉन्ट, फॉन्ट पर क्लिक करिए, ऐड, फॉन्ट जुड़ गया, ओके। अब आप देखिए यहां पर आपके ये फॉन्ट ऑप्शन यहां आ गया, दिख रहा है आपको क्विक एक्सेस टूल बार में, अभी तक तीन ही था, ध्यान देखिए ये तीन के अलावा फॉन्ट ऑप्शन आ गया। कहां से आ गया? ऑप्शन मेनू से काम कर गया। इसको आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे ऑप्शन ना मिल पाए तो आप ऑप्शन मेनू में जाकर यहां से आपने किया इसको क्विक एक्सेस टूल बार में, यहां चले गए, रिमूव कर दीजिए, ओके, हट जाएगा। अब यदि हमें डेवलपर, इन टैब के अलावा एक डेवलपर टैब होता है जहां माइक्रो संबंधित कार्य करते हैं, जहां पर माइक्रो संबंधित कार्य किया जाता है, यदि हमें डेवलपर टैब को यहां लाना है तो फाइल में चलिए, ऑप्शन में चलिए और कस्टमाइज रिबन में चलिए, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये देखिए डेवलपर पर क्लिक नहीं, यहां क्लिक करिए, ओके, और यहां ओके कर दीजिए। अब आपके सामने डेवलपर टैब ये आ गया, इसमें दिख रहा है ना माइक्रो संबंधित, इससे पहले माइक्रो का केवल आपको ये ऑप्शन मिला था, अब इस माइक्रो संबंधित पूरा रिबन आ गया है, जहां से आप माइक्रो विजुअल बेसिक की कोडिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रो जो बना है उस सारे माइक्रो भी आप देख सकते हैं, नया माइक्रो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप, और यदि आपको कोई बटन लेना है जो विजुअल बेसिक वगैरह में हम यूज करते हैं, कमांड बटन, लिस्ट बॉक्स या अन्य कोई चीज, कम्बो बॉक्स, लेबल, रेडियो बटन, वो भी आप यहां से ले सकते हैं, है ना कमाल का ऑप्शन, ये होता है। इसका बारे में और डिटेल में अध्ययन हम एमएस एक्सेल के अंतर्गत करेंगे, इस माइक्रो के बारे में आप यहां से इसको चालू कर सकते हैं। डेवलपर टैब को बंद करना है तो फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए, कस्टमाइज रिबन में जाइए और डेवलपर टैब पर क्लिक करके ओके कर दीजिए, ये देखिए यहां से हट गया। अब जैसे देखिए माइक्रो के नीचे क्या लिखा है, माइक्रो, ध्यान से देखिए माइक्रो है, उसके नीचे क्या लिखा है, माइक्रो। हम चाहते हैं यहां मेरा नाम लिख के आ जाए, राजन, यहां चलिए फिर से फाइल में, ऑप्शन में, कस्टमाइज रिबन के व्यू टैब ऑलरेडी क्लिक है, माइक्रो चलिए, माइक्रो यहां क्लिक करते हैं, माइक्रो पर, ये माइक्रो है आपका,
ठीक है ना। अब माइक्रो को कस्टमाइज करना है या कुछ और भी करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो आपके ऑप्शन आ चुके हैं व्यू, और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो भी दिख रहा है। इससे आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। माइक्रो पर क्लिक करते हैं हम लोग और रीनेम, ये देखिए रीनेम पर चलिए, यहाँ लिखिए राजन, राजन, ओके ओके। अब आप ध्यान से देखिएगा, माइक्रो के नीचे मेरा नाम आ चुका है, देखा आपने मेरा नाम आ चुका है। इसे हम फिर से सही कर देते हैं, फिर यहां पर चलेंगे ऑप्शन में कस्टमाइज रिबन, नाउ राजन पर क्लिक करेंगे, रीनेम, फिर से हमने लिख दिया माइक्रोच, ओके। फिर से आप देखिए यहां माइक्रो फिर से आ चुका है, हट गया। अगर हमें अपना कोई टैब बनाना है तो हम ये भी काम कर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिए, बहुत कमाल की चीजें हैं। फाइल में चलिए, ऑप्शन में चलिए, कस्टमाइज रिबन में चलिए, न्यू टैब, एक नया टैब हमको बनाना है, टैब को रीनेम करना है, न्यू टैब, न्यू टैब, रीनेम, टैब का नाम है राजन फेवरेट, ओके, टैब का नाम हो गया। अब इसमें क्या क्या ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो न्यू ग्रुप है, इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं न्यू ग्रुप में, आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई चीज रख भी सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें जो भी चीज आपको रखना हुआ, इसे ड्रा ऐड, ये देखिए न्यू ग्रुप में अंदर ड्रा आ गया, फाइंड ऐड, फाइंड भी आ गया, फॉन्ट ऐड, फॉन्ट आ गया, फॉन्ट कलर ऐड, फॉन्ट कलर, मैंने इसमें ये चीज रख दिया, ओके। आइए देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात ऑलरेडी पुराने टैब हैं, एक नया टैब आ गया राजन फेवरेट, हमारे टैब में ये ऑप्शन भी आप आसानी से देख रहे हैं। ड्रा टेबल में कर सकता हूं, क्लिक करिए, ड्रा टेबल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, फाइंड पर क्लिक करेंगे, फाइंड का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, फॉन्ट पर क्लिक करिए, फॉन्ट के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, और कलर पर क्लिक करेंगे, कलर आ जाएगा। ये मेरा टैब है जो मैंने अभी अभी बनाया, आप समझ गए होंगे कि ये ऑप्शन, ये जो ऑप्शन नाम का विकल्प है कितना कमाल का विकल्प है, इससे आप अपना एक फेवरेट टैब बना सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक नए टैब के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।